या तो ये निज़ाम नहीं है या फिर अल्लाह माफ़ करे ये खाता नहीं है, ये खाता क्लोज हो जाएगा। वी हैव ऑलरेडी लॉस्ट हाफ ऑफ द कंट्री, मजाक उड़ाया करते थे उनका, हर एतबार से आज वो आपसे बेहतर हैं। उनकी पॉपुलेशन ज़्यादा थी, आपकी कम थी, आज आपकी ज़्यादा है, उनकी कम है। और प्रडिक्शंस ये हो रही हैं कि आने वाले 10 साल में मुमकिन है पाकिस्तान बांग्लादेश से कर्जा मांग रहा हो, ये सूरत हाल है। जय हिंद दोस्तों, मैं महेंद्र शर्मा स्वागत करता हूं वन वर्ल्ड हिंदी में आपका। उम्मीद करता हूं आप खुश और स्वस्थ हैं दोस्तों। दोस्तों आइए दिखाते हैं पाक मीडिया के कुछ लेटेस्ट डिबेट, जिसमें हसन निसार ने पाकिस्तान की इकोनॉमी, पाकिस्तान की पॉलिसी और पाकिस्तान के राजनीतिक लोगों का विश्लेषण किया और उसमें सीधा सीधा बताया है कि पाकिस्तान को इन नेताओं ने ऐसी स्थिति में ला के खड़ा कर दिया है कि आने वाले समय में पाकिस्तान से ही टूटा हुआ देश बांग्लादेश से हमें भीख मांगनी पड़ेगी, क्योंकि कहीं ना कहीं आज पाकिस्तान की जो स्थिति है उसका सिर्फ और सिर्फ जिम्मेवार पाकिस्तान के नेता है। और उन्होंने सीधा सीधा भविष्यवाणी करते हुए ये भी बताया है कि पाकिस्तान को आने वाले 15 से 20 सालों तक भी कोई भी विकसित या मतलब उनकी स्थिति सुधारने में कामयाब नहीं हो पाएगा, क्योंकि जितने भी पाकिस्तान के नेता है उन्होंने सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान को हमेशा से लूटा और पाकिस्तान की आवाम का खून चूसने का काम किया है। तो कहीं ना कहीं आज आने वाले समय में पाकिस्तान की क्या दयनीय स्थिति होगी और आगे आने वाले समय में कोई ऐसा नेता है या नहीं है, इसी प्रकार का विश्लेषण इस डिबेट में हसन निसार ने किया। और साथ में पाकिस्तान का जो पासपोर्ट है उसके बारे में भी बताया है कि क्या पाकिस्तान का जो पासपोर्ट है वो सिर्फ सबसे निचले स्तर पे है, उसके बाद सिर्फ 2-3 देश ही रहते हैं, सीरिया या अफगानिस्तान जैसे देश है। तो कहीं ना कहीं उसमें भी क्या सुधार हो पाएगा, तो हसन निसार ने बहुत जबरदस्त विश्लेषण करके इस डिबेट में बताया। तो दोस्तों देखिए डिबेट और कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। लास्ट में आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों या तो ये निज़ाम नहीं है या फिर अल्लाह माफ़ करे ये खाता नहीं है, ये खाता क्लोज हो जाएगा। वी हैव ऑलरेडी लॉस्ट हाफ ऑफ द कंट्री, मजाक उड़ाया करते थे उनका, हर एतबार से आज वो आपसे बेहतर हैं। उनकी पॉपुलेशन ज़्यादा थी, आपकी कम थी, आज आपकी ज़्यादा है, उनकी कम है। और प्रडिक्शंस ये हो रही हैं कि आने वाले 10 साल में मुमकिन है पाकिस्तान बांग्लादेश से कर्जा मांग रहा हो, ये सूरत हाल है। सबक इन्होंने सीखा कोई नहीं। और ये देखें, हम चंद लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, आदि हो गए हैं हम भी, आप भी करते हैं, मैं भी करता हूँ, बाकी भी करते हैं। जमहूरियत, सियासतदान, सियासी रहनुमा, ये सिवाय गालियों का कुछ भी नहीं है। रहनुमा, कायदीन, लीडर्स, कभी इन लफ्ज़ों पर तो गौर करें, किन लोगों के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं हम? डेमोक्रेसी, जमहूरियत, जमहूर, आइन, मेरे सामने पड़ा है ये चीथड़ा। ज़ियाउल हक ने एक ही सच बोला था पूरी ज़िंदगी में, ये इस्लामी जमहूरिया का आइन, ये उसने कहा था। क्या है ये? चंद कागज़ों पर मुश्तमिल एक चीथड़ा। ये मेरे नहीं, ज़ियाउल हक के फरमूदात हैं। तो जिस देखें, और वो शिकें हमेशा इस मुल्क में ज़ेर बहस आती हैं जिनका तल्लुक मुख्तलिफ मैफियाज की वेलफेयर से होता है या जहाँ जहाँ वो बेनिफिशरीज हैं। कभी अवाम के बुनियादी हकूक पे सियासतदान आपस में बैठे हैं, तकरार हुई है, कोई डिबेट हुई है? सवाल ही नहीं पैदा होता। नया कुछ भी नहीं हो रहा। आपको वैसे आपको तवक्को थी वैसे हसन साहब, ये जो इमरान खान साहब ने 20 में से 15 सीटें हासिल कर ली, फिर एक आजाद उम्मीदवार जीता, नून लीग श्रिंक होकर हुकूमत में होते हुए इतने फाशिज्म टूल्स इस्तेमाल करते हुए 4 सीटों पर आ गई और इमरान खान 15 सीटों पर चले गए, तवक्को थी आपको 17 जुलाई? देखें, मैं तवक्को को तो छोड़ें आप, मैं ये बात कर चुका था कि ये चूंकि इनके DNA में है, ये पैदावार हैं धांधली की। अदरवाइज नवाज शरीफ साहब एक ऐसे आदमी थे जो काउंसलर नहीं हो सकते थे, हार गए थे। ये बहुत बड़ी वारदात की पैदावार थे और फिर इन्होंने बेशुमार किस्म की वारदातों में स्पेशलाइज़ किया। तो मैं ये कहता था कि अगर किसी वजह से कटेल हो गई या कम हो गई, ख़त्म होने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता धांधली, तो इमरान को रोक कोई नहीं सकता। उसकी वजह है, इट इज़ रिटन ऑन द वॉल, इसके लिए किसी अकल की ज़रूरत नहीं।
अक्ल वहाँ अप्लाई करनी पड़ती है जहाँ बंदे को ये एवेल्यूएट करना पड़े कि भाई ये किस हद तक धांधली कर सकेंगे। में बुनियादी जौहरी तब्दीलियों की जरूरत है। कितनी देर से मैं पीट रहा हूं और जो बंदा नाम ले डेमोक्रेसी का उसकी खाल उतार दो। 15 से 20 साल लगेंगे फिर भी इस मुल्क को ट्रैक पे आते हुए। कोई शय अपनी जगह पे मौजूद नहीं है। पॉलिटिक्स में आप मोरालिटी ढूंढते हो तो बाकी कहीं और है। हम जिंदा कौम है और गली में इकट्ठे नहीं है। एक ही अजान का पे चार चार अजाने 35-30-40-45 सेकंड्स के गैप के बाद, तो कहीं आपको हार्मनी नजर आती है? कहीं आपको ग्रेस, कोई वकार, कोई खूबसूरती, कोई सफाई? अगर आपकी गलियां गंदी हैं, बाजार गंदे हैं, सोचें गंदी हैं, आपका सारे का सारा एनवायरनमेंट गंदा है, आपकी पॉलिटिक्स कैसे साफ हो सकती है? ये तो आई सारा गंदी वहां से आया है। ग्लेशियर्स अगर जहरीले होंगे तो नीचे नदी नालों में जो पानी आएगा वो भाई जहरीला होगा। तो ये जहर अब इंजेक्ट हो चुका है हर जगह। इसको रिफॉर्म करने के लिए वाकई कोई मुदब्बर चाहिए। टट पूंजिए नहीं है, इनके बस का काम ही नहीं रह गया। बिल्कुल सही। अच्छा सर, ब्रेक पे भी बढ़ना है। ब्रेक से पहले मैं चाहूँगा कि ये एक पासपोर्ट, दुनिया के जो बेहतरीन पासपोर्ट्स हैं और बदतरीन पासपोर्ट्स हैं उनका ये पहले एक नया सर्वे सामने आया है और ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ये करती हैं। जारी बात है, हमने तो कोई सर्वे नहीं करके देना दुनिया को। तो पाकिस्तान को दुनिया के बदतरीन पासपोर्ट्स, एक है बेस्ट पासपोर्ट्स और एक है वर्स्ट पासपोर्ट्स। तो बेस्ट पासपोर्ट्स में माशाल्लाह वही कौमें हैं जिनका जिक्र आप कर रहे हैं, जिनके पास ये सब कुछ है जो हमारे पास नहीं है। और वर्स्ट कौमों में माशाल्लाह हम ही आ रहे हैं मुसलसल। हमसे नीचे शाम, अफगानिस्तान और इराक जैसे को 3-4 मुल्क बाकी बचे हैं। कोई उम्मीद लग रही है सर ऊपर जाने की हसन निसार साहब को, बेहतरी की को? हम भी कहीं फिनलैंड, डेनमार्क, स्वीडन के साथ कभी खड़े होंगे किसी जमाने में? ओ खुदा का नाम लें भाई, आप किधर शुरू हो गए? आपने तो बहुत ही बड़ा शॉर्टकट मार दिया। ओ भाई, हम तो सर्वाइवल की जंग लड़ रहे हैं, आप किधर उनकी तरफ तो देखना भी। उनके साथ तो हम जैसे लोगों को ब्रैकेट करना भी मेरा ख्याल है गुनाह से कम नहीं है। एक जुमले में नाम लेना भी मुनासिब नहीं। और वो मैंने कहा कि इट इज नॉट गोइंग टू टेक लेस देन मिनिमम 15 ईयर्स। इसको किसी कोई शक्ल देना, कोई सूरत देना, कोई रूप देना, कोई कैरेक्टर देना, डायरेक्शन देना इस मुल्क को, ये कम से कम 10 to 1 पूरी जनरेशन नहीं तैयार करो। हम लोग रिफॉर्म नहीं हो सकते। आप मुझे रिफॉर्म करोगे इस बुढ़ापे में? कौन करेगा मुझे? हाथ धो गई, जंग लग जाए एक बार, लोहे की जान नहीं छूटती। कैंसर हो जाए चांसेस बहुत कम। वो मुल्क है जहां भूखे नंगे लोग खरपतियों को पाल रहे हैं, इसलिए तो वे यहां भूखे नंगे लोग, ये जो आपके जो है ना, आपकी इलीट, वो चाहे कारोबारी हो, चाहे सियासी हो या कोई और हो, इन सब की जो तोंदे हैं इनको कौन भरता है? वो जिसके पेट में रोटी नहीं। इतनी सी बात है। और देखें, इस्लाम इस्लाम बहुत करते हैं, मुल्क के नाम में भी है घुसाया हुआ, अमलन कहीं नहीं है। हुजूर का फरमान है कि जब कुछ लोगों के पास जरूरतों से बहुत ज्यादा हो जाए तो समझ लो बहुत ज्यादा लोग बुनियादी जरूरतों से महरूम हो गए, सीधा। और इस्लाम का जो, ये पूरी दुनिया में महजब दुनिया की बात कर रहा हूं, चबलों की नहीं, प्रैक्टिस हो रहा है। वो क्या है कि सियासी ताकत और दौलत एक माशरे में ऐसे गर्दिश करे जैसे ह्यूमन बॉडी में खून गर्दिश करता है, पांव से सर तक, जुडिशियसली,
मुनसिफाना तौर पे। अगर मुल्की वसायल इस तरह गर्दिश करेंगे, यूएनडीपी की रिपोर्ट थी यहाँ तो चंद हजार खानदानों ने सांप बन के बैठे हैं, वो ठीक है, मजाल नहीं है किसी की, उल्टा लटका दें तो बस हो जाएगा। नहीं, हो चुका है आपके साथ, ये याद रखें। तो हसन साहब कहते हैं कि ये हो रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है। दुनिया में एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई जिसमें ये जेम्स वेब टेलीस्कोप दूरबीन के जरिए से, सुभान अल्लाह यार आपने क्या बात की है, अरब साल पुरानी कहकशाओं और कायनात की तस्वीर और उनकी बुनत ला के आज दुनिया के सामने रख दी गई है। एक वो है हमारे ही हम असर लोग, एक हम है कि कुर्बानी की अलाइशें नहीं उठा सकते। कराची हर साल जुलाई अगस्त में डूब रहा है, ये आज के सेशन का सबसे खूबसूरत और अहम सवाल है। मामू बना देता है एक कागज पर्ची निकाल कर, और नहीं नहीं इनको छोड़ें, दुनिया किस तरफ चल रही है, आपस में झूठ बोल रहे हैं, मैं आपके साथ झूठ बोल रहा हूं, आप मेरे साथ झूठ बोल रहे हैं, टैलेंट की कमी नहीं है। टैलेंट क्या है, जिबा किए हुए बकरे के वो शारग में इंजेक्ट करके गोश्त का वजन बढ़ा देना, ये टैलेंट है। जाली दूध बनाना, केमिकल से दूध बनाना, ये टैलेंट है। खोते कुत्ते घोड़े चमगादड़े बेच देना, ये टैलेंट है। क्या टैलेंट है या आपने जिस ये तारीख सास काम हुआ है पाकिस्तान में, मैंने किसी को इस पे बात करते नहीं सुना। यू आर द फर्स्ट वन, एक मुसलमान मुल्क शामिल नहीं है। ये क्या कर रहे हैं, फलाना बुर्ज टमकाना बुर्ज, अभी खबरें थी को पता नहीं कितने की कोई याट खरीदी है, पता नहीं क्या कीता है, कश्ती खरीदी है, कस्टम मेड गाड़ियां खरीदी, पता नहीं क्या लोग हैं, ये कौन है। एक मुसलमान, वो पूल है बकायदा जिंदा का मौका, एक मुसलमान दूर दूर तक इस पूरे खेल में शामिल नहीं। वो कायनात की तस्खीर, वो इकबाल कहता रह गया बेचारा सितारों पे जो डालते हैं कमांडर, ये कमांडे हैं, इनकी कमांडे क्या है, क्या बात, पंजाब असेंबली में कमांडर डाली है, या जो पहले उससे पहले सिस्टम माशाल्लाह जो नया लेके आए हैं, ये कमांडे हैं हमारी। वो कायनात के असरार और रमूज, और ऐसे उंगलियों पे नचाएंगे, वो तो आज बाज नहीं आ रहे हैं अगर वो बिल्कुल ही। और ये रब्बुल आलमीन का ये नायब है इंसान, ठेका नहीं लिया हुआ, कुरान पाक में मुसलमानों से खिताब नहीं, लोगों से है। हमारे यहां कहते हैं कि बेशक तुम गालिब आओगे अगर तुम मोमिन हो, इसका मतलब है जो जितना गालिब है मोमिन होने की प्रैक्टिसेस में वो उतना ही उनके ज्यादा करीब है।